5:11 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM गोल्ड चैनल। और जैसे कि मैंने कहा, आज हम फायदे की ही बात करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं टैक्स नियोजन, कर नियोजन, टैक्स प्लानिंग और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं श्री अरुण ठुकराल साहब। आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और विगत 25 वर्षों से इस विषय से जुड़े रहे हैं। आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। आपकी एक किताब प्रकाशित हो चुकी है जिसका नाम है योगी ऑन दलाल स्ट्रीट। इसमें आपने योग और योग को निवेश और नियोजन जैसे वित्तीय विषयों से जोड़कर देखा है। इसके साथ ही आप मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड के। श्री अरुण ठुकराल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निरुपमा, मुझे भी यहाँ आके बहुत खुशी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं का आपसे ज़्यादा खुशी होगी जब उन्हें आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे टैक्स नियोजन को लेके, कैसे ज़्यादा वो टैक्स बचत कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसे विषय हैं, बिल्कुल इतने जटिल विषय होते हैं कि जिनसे हम दूर भागते हैं और उतने ही वो हमारे पीछे आते हैं जब हमें पता चलता है कि एक मोटी रकम जो है हमारी वो टैक्स में जा रही है। खैर ठुकराल साहब, इससे पहले कि मैं तमाम सवाल अपने और श्रोताओं के आपके समक्ष रखूं, मैं जानना चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं से क्या सवाल करना चाहते हैं। मैं मैं श्रोताओं से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ और बहुत आसान सवाल है। जब हम हर साल मार्च में भागदौड़ करते हैं और सब लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ भागते हैं, तो हमें ये एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में कहा जाता है कि आप आइए अपना पीपीएफ बचाइए या ईएलएसएस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जी। तो वो सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है, क्या नंबर है उस सेक्शन का? बिल्कुल, और बहुत फेमस है वो। बिल्कुल, इस फेमस सेक्शन का नंबर आपको हमें बताना है, वो कौन सा सेक्शन है जिसके तहत हम टैक्स बचत करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का बड़ा फेमस सेक्शन है, इसलिए कोई ऑप्शंस आपको नहीं दूंगी। बता देती हूँ, हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं 2281011 8 और 2281011 9। तो ठुकराल साहब, आपका सवाल तो हो गया, भाई हमारे सवाल की बारी। हाल ही में अंतरिम बजट जो है ये पारित हुआ है और पेश किया गया है, इसकी कई सारी बातें इसमें आई हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, हमारे श्रोताओं को बताएं कि अंतरिम बजट, इंटरिम बजट होता क्या है और इसके मुख्य बिंदु क्या रहे? देखिए, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इंटरिम बजट या अंतरिम बजट, वो होता है जब एक सरकार का शासनकाल खत्म हो रहा है और चुनाव है और उसके बाद वो सरकार आए या नहीं आए पता नहीं होता है जी। तो पूरी तरह से वो बजट पेश नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में उसको बजट को पेश किया जाता है, तो इसीलिए उसको इंटरिम बजट कहते हैं जी। और ये जब भी नया इलेक्शन होता है या जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो ये हमेशा उस तरह से किया जाता है जी। तो ये जो आपने कहा कि सरकार के पास मतलब आगे का जो है मैंडेट नहीं है, करेक्ट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो पता नहीं होता है अभी तो। लेकिन इसमें जो बातें कही जाती हैं वो कितनी लागू हो सकती है, क्योंकि वो पूरे वर्ष के लिए होती हैं, उसकी समय अवधि होती है। तो जब नई सरकार वापस आती है या तो यही सरकार वापस आती है जी, तो मोस्टली यही बजट को वो फाइनल बजट करके 80% तक रफली लेके वो कर देते हैं, मे भी कुछ और ऐड कर देते हैं जी। और अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो फिर काफी सारा चेंज होता है। तो इसके सरकार के बनने के बाद दोबारा से एक फाइनल बजट की बात होती है और वो फाइनल बजट दिया जाता है जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अंतरिम बजट था इसके मुख्य बिंदु क्या रहे? देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं। एक तो आई है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि हमारे जो अग्रेरियन स्ट्रेस जो बोलते हैं, जो हमारे किसानों की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं थी, और जो सरकार ने कुछ 72,000 करोड़ का प्रावधान किया है कि 12 करोड़ किसानों का इसको फायदा होगा, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उनको 6,000 रुपया सालाना दिए जाएंगे, जिसका तिहाई, एक तिहाई मतलब 2,000 रुपये अभी दिया जाएगा और उस तरह से 3 किस्तों में उसे दिया जाएगा। तो इससे काफ़ी, इसे इनपुट असिस्टेंस जैसे बोलते हैं ना, कि उनको आसानी रहेगी कुछ बीज खरीदना है या कुछ खरीदना है तो जी। और दूसरा जो बड़ा चीज़ आया है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे आपका एक पेंशन के ऊपर भी एक आया है श्रमदान, इसके अलावा जो मिडिल क्लास के लिए जो आया है, जो टैक्स पे करने वालों के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा आया है। कम से कम 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा जिनकी इनकम 5 लाख तक अभी उनको टैक्स देने का जरूरत नहीं है, और अगर इसमें आप 1.5 लाख रुपए और ऐड कर दें तो उसके हिसाब से मिलके ये 6.5 लाख हो जाएगा, और अगर कोई इसके अलावा एनपीएस बचाएगा तो इस तरह से काफी फायदा हुआ है। तो एक मिडिल क्लास में जो 3 करोड़ कम से कम ऐसे लोग हैं जो रिटर्न भरते हैं, उनको इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
बिल्कुल, तो ये मुख्य बिंदु रहे, इन पर हम आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि भाई आज का पूरा हमारा जो कार्यक्रम है ये टैक्स प्रपोजल्स पे है, टैक्स कैसे हम बचा सकते हैं और टैक्स बचाने के और निवेश करने के जो क्या क्या ये बातें हैं, यही आज आपसे हमें जानना है। 5:16 का वक्त हो चुका है। श्रोताओं, हमने आपसे किया है सवाल, बताइए कि वो कौन सा जादुई सेक्शन है जो आपको टैक्स बचत करने में मदद करता है, या वही आधार है टैक्स बचत करने का। हमारे नंबर्स वही है 2281018 और 2281119। इसके अलावा अगर इस विषय से जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो वो भी इन्हीं नंबर्स के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 5:21 और जैसे कि मैंने कहा आज फायदे की बातें होने वाली हैं, तो बिल्कुल आप रेडियो सेट से दूर मत जाइएगा। और फायदे की बात की बात की तो काफ़ी सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ने लगे, काफ़ी सारे सवाल जुड़ने लगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपना सवाल लेना चाहूँगी आपसे। सर, ये जो बजट आया ठुकराल साहब, इसमें जो टैक्स प्रपोजल्स थे उन पर थोड़ा अगर आप ब्रीफ में बताएं, विस्तार में बताएं हमें थोड़ा कि क्या रहे वो, उनके क्या मुख्य बिंदु रहे और इनमें कैसे जो है हम अपनी टैक्स बचत कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने बताया सबसे बड़ा तो ये कि 5 लाख का जो एग्जेम्पशन हुआ है, लेकिन उसमें समझने की बात ये है कि जो आदमी का इनकम 5 लाख है और उसमें जो उसके बाद जो उसको छूट मिलती है, जैसे 1.5 लाख रुपए का एक हो गया, बाकी एनपीएस का 50,000 हो गया, या होम लोन के ऊपर अगर उसका इंटरेस्ट है तो 2 लाख तक का वो आ गया जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, ये सब करके। लेकिन जिस इंसान का इनकम 10 लाख से ज़्यादा है उसको एक्चुअली कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, उसके लिए सिर्फ यही फ़र्क पड़ा है कि जो 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो अभी 50,000 का हो गया है जी। लेकिन अभी देखना ये है कि हम जब टैक्स बचाते हैं तो हम किस तरह से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टैक्स इन्वेस्ट करने के लिए, एक तो अगर आप सर्विस क्लास हैं तो आपका पीएफ कटेगा तो वो एक उसमें होता है, अदरवाइज आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्यूशन फीस होता है वो भी इसमें आ जाता है, लेकिन जो हम यूलिप करके इंश्योरेंस का अगर आप करना चाहते हैं वो भी मिल जाता है आपको। लेकिन जो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है जो शेयर मार्केट में जिसे हम बोलते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो रिटर्न है पिछले 40 सालों में वो बाकी सब एसेट क्लास से अच्छा आया है, चाहे वो किसी और एसेट क्लास को लें, जैसे आप गोल्ड को लेते हैं या रियल एस्टेट को लेते हैं। तो ELSS करके जो हम एक ऑप्शन देखते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के पास होता है, अगर आप उसको यूज़ करें तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टैक्स बचाने का, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग का भी है, आपकी जो वेल्थ क्रिएट होगी वो इसी से होगी, तो ये हम सजेस्ट करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी हम सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एक जो एक कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, मतलब आप एक मालिक हैं कंपनी के उसमें। बिल्कुल, और इसी से संबंधित एक सवाल आया है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सवाल यही है कि जिनकी अगर इनकम कमेंड जो है टैक्सेबल नहीं है, उनके लिए भी ये फाइल करना ज़रूरी क्यों है आपके हिसाब से? और मैं इसमें हमारा एक सवाल ये जोड़ना चाहूंगी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या फायदे हैं, ये बताएं हमारे श्रोताओं। नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इसीलिए भी जरूरी है, दो चीजें हैं। एक तो आप एक अपना सरकार को बता के चल रहे हैं कि हम इतनी एसेट क्रिएट कर रहे हैं, आपकी कुछ भी इनकम है, चाहे आपने टैक्स नहीं भी दिया तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड हो गया कि आपने इतना इनकम है, ताकि आप 2-3 साल के बाद कोई बड़ा खर्चा करते हैं अपने सेविंग करके तो आपको कोई सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो पैसा भरा है, कहीं ना कहीं आपका इनकम का प्रूफ बन जाता है। और दूसरा, अगर आपको कहीं लोन लेना है तो सबसे बड़ा फायदा, आजकल तो बहुत सारे लोगों को लोन चाहिए होता है, तो सबसे पहली चीज जो ऑथेंटिक पूछी जाती है आपके रिटर्न दिखाइए, तो ये भी एक बहुत बड़ा है, आपका जो सिविल स्कोर है, आपके काफी सारे फायदे हैं। और जब धीरे धीरे आप कहीं कभी ना कभी तो फिर टैक्सेबल उसमें आ ही जाएंगे, तो आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा, आपने अपनी कैपिटल कैसे क्रिएट की, आपने अपनी एसेट्स कैसे क्रिएट की, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। और आप अपने आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इवन इफ अभी आप टैक्स नहीं देते हैं, कभी ना कभी आप टैक्स देंगे, तो आप अगर एक सही नागरिक हैं देश के तो इनकम टैक्स रिटर्न तो बहुत भरना है, ये आपके लिए भी अच्छा, इट्स ए विन विन सिचुएशन, आपके लिए भी, सरकार के लिए भी, सरकार के पास भी हिसाब रहता है कि हमारे कितने टैक्स पेयर हैं अगर आप बाद में बनते हैं, और कितनी रिटर्न भरी जाती हैं, ये उनकी भी इच्छा रहती है। बिल्कुल, और तो और इसमें हम जब कोई सब्सिडी अवेल करते हैं या कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से लेते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रूफ है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, आई थिंक यू शुड फील प्राउड, आपको बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं रिटर्न भरता हूँ। बिल्कुल,
और यहाँ पर मैं सैलरीड क्लास जो होती है उनकी तो ऑटोमेटिक मतलब चीजें टीडीएस हो जाता है, बिजनेस क्लास के लिए जो है ये कितना फायदेमंद हो सकता है? बिजनेस क्लास को तो ज्यादा लोन चाहिए ना, बिजनेस क्लास को तो हमेशा ऐसा ही होता है कि कभी ना कभी वो कुछ अपनी पूंजी लगाते हैं और कुछ पूंजी वो लोन लेते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न भरे। और जब वो बड़े बिजनेसमैन, जब छोटे बिजनेस से वो बड़े बिजनेस की तरफ जाएंगे तो कई बार उनसे पूछा जाता है कि पिछले 5 साल का रिटर्न लाइए या पिछले 10 साल का रिटर्न लाइए, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल, और ऐसी सिचुएशन में जो है आप वो 5 साल फिर से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसलिए और ये बहुत आसान होती है इनकम टैक्स रिटर्न भरनी, अगर आपका टैक्स भी ज्यादा नहीं है या कम है या नहीं है तो बहुत आसान है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। बिल्कुल, और ऑनलाइन जो है आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल आप वेट मत कीजिए। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है या नहीं भी है तो भी आप इनकम टैक्स भरिए, क्योंकि ये सिर्फ न सिर्फ आपके लिए फायदेमंद है बल्कि हमारे अर्थशास्त्र के लिए फायदेमंद है, हमारे देश के लिए ये फायदेमंद है। 5:26 का वक्त हमने किया है आपसे सवाल, बताइए वो कौन सा जादुई सेक्शन है जो आपकी टैक्स बचत करवाता है। नंबर्स हमारे वही हैं 2281018 और 2281019। इसके अलावा इस विषय से जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो इन्हीं नंबर्स के माध्यम से आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। 5:30 का वक्त, आज हम कर नियोजन और निवेश पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री अरुण ठुकराल साहब, आप MD और CEO हैं एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड के। इसके अलावा आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। ठुकराल साहब, बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं, कुछ बहुत ही पेचीदा सवाल भी आ रहे हैं। एक सवाल हमारे पास आया था सीमा जी का, उनका ये कहना है, ये सवाल है उनका कि TDS जो इंटरेस्ट होता है कटता है वो 10,000 से 40,000 कर दिया गया है, लेकिन 15G जो फॉर्म है वो हमें पहले भरना पड़ता है, और अगर नई सरकार आई और उसने अगर इस प्रावधान को हटा दिया तो क्या होगा? देखिए, इसमें बहुत सारे अगर हैं। अगर नई सरकार आई और अगर उन्होंने हटा दिया, आई थिंक हमें खुश होना चाहिए इस बात से कि जो 10,000 रुपए का जो पहले इंटरेस्ट अमाउंट था उसके ऊपर TDS कटता था वो बढ़ा के अभी 4 गुना मतलब 40,000 कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे ये सरकार है या कोई भी सरकार आए, ये जो अगर हमारी जनता के हित के लिए है या जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए अच्छा है, तो मोस्टली उसको चेंज करना मुझे लगता नहीं मुश्किल होगा। तो आई थिंक अभी तो खुश होने का वक्त है, एंड ज्यादातर उम्मीद यही होती है कि ये सब चीजें वापस रिवर्स नहीं की जाती। बिल्कुल, तो अभी हम आते हैं हमारी तरफ, हमारे सवाल की तरफ, वो है निवेश के बारे में। अभी जो हमने बजट देखा इसके हिसाब से और वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थितियां हैं इनके हिसाब से, आप हमारे श्रोताओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह के निवेश, किस तरह का निवेश उन्हें करना चाहिए? अमूमन देखा जाता है कि लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या गोल्ड में निवेश करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए निवेश की क्या जो है उनके प्रारूप होना चाहिए, किस तरह का निवेश जो है वो बेस्ट होता है, बताइए। देखिए, आप जैसे आपने बोला कि बहुत सदियों से हम लोग प्रॉपर्टी में और फिजिकल एसेट जैसे गोल्ड जी हम इन्वेस्ट करते आए हैं, और मोस्टली बैंक में FD में ही इन्वेस्ट करते आए हैं जी। लेकिन अगर आप देखें, जैसे हम बात करते हैं इक्विटी की, कि आप शेयर मार्केट में आप एक कंपनी का हिस्सा बनिए, उसका जो रिटर्न है पिछले 40 सालों में वो कुछ 16-17% तक आया है, और उसने बाकी सारी एसेट क्लासेस को बीट किया है। लेकिन सबसे पहले जो रूल होता है वो है एसेट एलोकेशन का, कि आप सारा पैसा इक्विटी में नहीं डाल सकते, सारा पैसा गोल्ड में नहीं डाल सकते। तो गोल्ड के लिए हम बोलते हैं कि आपको 5-10% पैसा जो है वो गोल्ड में डाल देना चाहिए, बाकी 20-30% आपको डेट में डाल देना चाहिए, और अगर आपका एज कम है, अगर आप 30-40 साल के आसपास हैं, तो कम से कम 50-60% आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो इक्विटी में डाल सकते हैं। इक्विटी में डालने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करिए SIP के जरिए, जिसके हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, या आप डायरेक्ट स्टॉक्स में करिए अगर आपको स्टॉक समझ में आता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल, तो जब आपने ये बात की तो मैं जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए कि जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो उसमें इक्विटी आती है, डिबेंचर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, तो इक्विटी क्या है ये हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, और रिस्क फैक्टर जिसमें कम हो, किसमें कितना रिस्क है कि वो अपना निवेश जो है वो पूरी तरह से बेहतर तरीके से प्लान कर सके। तो अगर रिस्क की बात करें तो सबसे कम रिस्क तो ऑब्वियसली आपका सीधा, अगर आप कैश हाथ में लेके बैठे तो कोई रिस्क नहीं है जी, हाँ ये रिस्क है कि कोई छिनके ले जाएगा जी। बैंक में पैसा रखा है वो, उसमें कोई रिस्क नहीं है। उसके बाद अगर थोड़ा थोड़ा रिस्क बढ़ता जाएगा तो हम बोलते हैं, जैसे आपने बोला डिबेंचर या लिक्विड फंड जी, जिसमें कि आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा,
और उसके ऊपर जाके फिर शेयर आता है, लेकिन जहां रिस्क ज्यादा है वहां रिटर्न भी ज्यादा है। अभी शेयर मार्केट क्या है वो समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। अगर आपने आज तक ब्रिटानिया का बिस्किट खाया है बहुत सालों से जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटानिया एक कंपनी है, तो आप उसका शेयर खरीद रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगले कुछ सालों तक भी लोग ब्रिटानिया का बिस्किट खाएंगे तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अभी इतनी सारी चीजें ग्लोबली गड़बड़ होती हैं, यहाँ पे होता है, अभी ये इलेक्शन में आया या ये सरकार आएगी वो सरकार आएगी उसकी लड़ाई हो गई, लेकिन बिस्किट तो आप फिर भी खाएंगे जी। तो ये एक अच्छा तरीका मेरा होता है समझाने का। अगर आपने बचपन से आज तक फेविकोल देखा है, मैंने तो फेविकोल देखा है हर जगह जी, तो मैं कंपनीज के नाम नहीं दे रहा हूँ और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ये मैंने सिर्फ दो एग्जांपल दिए आपको अपने अनुभव से, आप जो मैंने सोच सकते हैं। हाँ, तो आप कोई भी बिस्किट खाते हैं या आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं या आप किस तरह की चाय पीते हैं, तो जो चीजें आप यूज करते हैं वो किसी ना किसी कंपनी की होती हैं जी। तो अगर उसके बाद वो कंपनी का आप मैनेजमेंट देखेंगे, आप उसके बारे में स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि आपने कर दिया, तो ये एक इंडिकेटिव मैंने आपको नाम बताया एक दो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट, तो फिर आप पूरी स्टडी करके इस तरह से उसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। बिल्कुल, आप उनमें निवेश कर सकते हैं और आप एक तरह से उस कंपनियों का हिस्सा बन जाते हैं जी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो गैम्बलिंग है, ये ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने अच्छी कंपनियों के अच्छी कंपनी के नाम लिए जिसके बारे में आपने सुना है। आप बहुत छोटी छोटी कंपनी अननोन कंपनी आती है उसमें थोड़ा रिस्क ही ज्यादा होता है, तो लार्ज कैप जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिए, ये लार्ज कैप है जो 20 सालों से आप देख रहे हैं, तो इनके नाम आपको पता है, तो थोड़ा रिस्क इसमें कम होता है। जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास जब आप बीमार होते हैं तो उसको फीस देते हैं जी, तब आप उनसे नेगोशिएट भी नहीं करते कि आप फीस कम लीजिए ज्यादा। उसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अगर खासकर शेयर मार्केट में किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, ये हमारी आपको सलाह होगी, क्योंकि बिना नीम हकीम खतरा है जान बोला जाता है, तो आप वो मत करिए। बिल्कुल, तो श्रोताओं ये एक नया एवेन्यू है निवेश का आपके लिए, आप बिल्कुल शेयर मार्केट से, बहुत देखा गया है ठुकराल साहब कि शेयर मार्केट में बहुत कम निवेशक जाते हैं, जो सर्व सामान्य लोग हैं वो इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। यही तो इसी को बदलना है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 4-5% लोग जाते हैं, और आपको पता होगा कि हिंदुस्तान जो है, जो भारत देश है, वो सबसे तेज बढ़ने वाला देश है जी। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसीलिए ये और हैरानी की बात है कि हम अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग है तो भी लोग अभी भी इसमें नहीं जा पा रहे। आई थिंक इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की जरूरत करते हैं। इसके लिए हम लोग अपने जैसे एक्सेस सिक्योरिटी के हम लोग बहुत इन्वेस्टर मीट्स करते हैं और लोगों को जाके इसके बारे में अवेयर करते हैं। बिल्कुल, 5:37 का वक्त हो चुका है श्रोताओं, कर नियोजन और निवेश पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमने आपसे किया है सवाल, बताइए वो कौन सा जादुई सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जिसके तहत हमें तमाम जो है कर बचत हम कर सकते हैं। वो नंबर, टैक्स सेक्शन का नंबर आपको हमको बताना है ना, और हमारे नंबर्स हैं 2281-0118 और 2281-0119। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं इस विषय से जुड़े तो इन्हीं नंबर्स के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। लेकिन जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते तो हम ऐसा नहीं सोचते, हमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हर तरह से जो है प्लान करना चाहिए। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब हम निवेश करते हैं, और यहाँ पर मैं श्रोताओं को फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि ठुकराल साहब ने एक किताब आपकी प्रकाशित हुई है, आपके द्वारा रचित एक किताब प्रकाशित हुई है, जिसमें आपने योग को निवेश और नियोजन के साथ जैसे वित्तीय विषयों के साथ जोड़ा है, तो क्या खास बातें हैं इस किताब की, योगी ऑन द लाल स्ट्रीट इसका नाम आपने है, तो इसमें किस तरह से हम योग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे हम इन वित्तीय विषयों के साथ जोड़ सकते तो हैं? तो ये योग सूत्र के ऊपर है, मतलब एक तो फिजिकल योग जो हम सब जानते हैं कि आप हाथ पैर हिलाइए और आप योगासन करते हैं, दूसरा है योग सूत्र जो पतंजलि ने लिखे थे जी। बेसिकली आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन कितना है, और उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो एक एक प्रिंसिपल जो मैंने इसमें लिखा है उसको मैं पंच क्लेशा बोलता हूं, और उसको वित्तीय से निवेश से मैं इस तरह से जोड़ता हूं कि अगर आपके 5 क्लेश आप कम कर लें, तो पहला क्लेश हम बोलते हैं अविद्या। आपके अंदर अगर अविद्या है तो ये क्लेशों को कम करना है तो आपको विद्या चाहिए। जैसे कि आप एक फ्रिज खरीदने जाते हैं एक फैमिली वाले, तो एक हस्बैंड वाइफ आप 4 या 5 दुकान में जाके अलग अलग तरह के कलर अलग अलग तरह का डोर देखते हैं, लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो आप जनरली किसी ना किसी एक इंसान से पूछ के आप निवेश करते हैं।
तो अगर आप फ्रिज खरीदने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप निवेश करने के लिए कम से कम उसकी आधी मेहनत तो करिए। बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ विद्या लाइए, अविद्या को कम करिए, अवेयरनेस जागिए। दूसरा मैं बोलता हूँ अस्मिता, जिसको हम इंग्लिश में आप सोचिए ईगो होती है, कि अगर जैसे मैंने बोला था अभी कि अगर आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो निवेश करने के लिए भी किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, तो वहां पे आप ऐसा क्यों ईगो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो इसको कम करिए। तीसरा मैं बोलता हूँ रागा, अटैचमेंट। लोगों को अभी भी सोने से प्यार है, अभी भी रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी आपका ट्रांसफर हो गया, कभी आपने स्टैम्प ड्यूटी दिया, कभी आपने रिपेयर कराया, जबकि वित्तीय निवेश जो फाइनेंशियल एसेट है वो बहुत आसान है, तो इतना अटैचमेंट किसी एक एसेट से मत करिए, तो इसको भी कम करिए। चौथा मैं बोलता हूँ आपको, अगर बहुत ज़्यादा एवर्जन हो सकता है, आपको द्वेष हो जाता है, आपको कई बार किसी ने आपको बोला कि उसका नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट में, क्योंकि उसने कहीं गलत जगह शेयर में पैसा लगाया था, मैंने आपको अच्छे एग्जांपल दिए, तो आपको उससे भी बचना है कि आपको एक बार कभी नुकसान हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि आपने प्रेजुडिस हो जाते हैं, हम कहते हैं ये तो गैम्बलिंग है, ये तो खराब है। और पांचवा मैं बोलता हूँ अभिनिवेश, जो फियर डर है, लोगों को हमेशा डर लगता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो पिछले 40 साल में हमारा जो सेंसेक्स था वो 100 से बढ़कर अभी 37,000 हुआ है, मतलब जिसने 10,000 रुपए लगाए 40 साल पहले उसके 37 लाख हो गए हैं, और ये हाईएस्ट परसेंटेज रिटर्न है। तो ये पांच प्रिंसिपल अगर आपको ध्यान में रहेंगे तो फिर आप सही फैसला ले सकेंगे। बिल्कुल, जरूरत सिर्फ यही है कि आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकें, थोड़ा ध्यान दे, जैसे कि आपने कहा अविद्या को दूर करें, अविद्या को दूर करें, अविद्या इज द मदर ऑफ ऑल क्लेश, सबसे बड़ा जो क्लेश है वो अविद्या ही है। और ये जो आपके आपने पांच प्रिंसिपल्स बताए, मुझे लगता है हमारे इवन जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, बिल्कुल इसमें भी लागू होते हैं। अगर आपके अंदर ईगो ज्यादा है तो आपका प्रॉब्लम है, अगर आपके अगर अविद्या है तब आपका प्रॉब्लम है, अगर आपका अटैचमेंट किसी एक चीज से ज्यादा है तो आपको प्रॉब्लम है। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा निरुपमा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और अब मैं आती हूँ हमारे श्रोताओं के एक सवाल की तरफ, शहनाज जी का, उनका कहना है कि ये जो डिडक्शन की बात की है, टैक्स प्रपोजल्स जो हैं, थोड़ा उसमें विस्तार से बताइए कि 5 लाख का जो है वो डिडक्शन है, उसके आगे जो है कहा गया है कि जो पहले का है वो यथावत है, तो इसका थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइए कि कैसा है टैक्स स्ट्रक्चर अभी। देखिए, बाकी तो 10 लाख के ऊपर जो रेट ऑफ जो टैक्स है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अभी फायदा आप इस तरह से उठा सकते हैं कि 5 लाख तक का तो आपका जो नेट टैक्स अगर आप बनता है तो आपका वो एग्जेम्पशन है, आपको कुछ नहीं पे करना है। लेकिन अगर आपने 1.5 लाख रुपया जो और अगर बचा लिया, और एक 50,000 एनपीएस का भी है, अगर आपने मेडिकल का कुछ फायदा उठाया है, मेडिकल उसमें पेरेंट्स का वो सब मिल जाता है, 50,000 और हो गया, अगर आपने होम लोन लिया है तो और एक 2 लाख का इंटरेस्ट उसके ऊपर है, तो इस तरह से अगर आप ऐड करते जाएंगे तो तकरीबन 10 लाख तक जी, और आपने सारे प्रोविजन आपने यूज कर लिए तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा 10 लाख तक। तो ये आपका ब्यूटी ऑफ दिस प्रोविजन है। बिल्कुल। तो अभी मैं हमारे सारे जो श्रोता जो बचाना चाहते हैं, कर बचाना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं, ये सब फैसिलिटीज लेनी पड़ेगी, उनको एनपीएस में अप्लाई करना पड़ेगा, होम लोन लेना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, और घर भी बनेगा, और एक एक्सपर्ट को भी पकड़िए। बिल्कुल, आपको एक आइडिया दे दिया गया है। और साथ ही साथ हम ये नहीं चाहते कि सभी टैक्स बचाएं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा से ज्यादा लोग फाइल करें कि एक्चुअल जो इनकम है हम सब लोगों की, वो जो है वो हमारी टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है जी, वो दिखे। और एक सवाल हमारे पास और आया था जो है सीनियर सिटीजन्स का, माफ कीजिएगा, मंथली इनकम स्कीम जो होती है पोस्ट ऑफिस की, सुधाकर जी ने ये सवाल किया था, तो इसका जो इंटरेस्ट होता है क्या ये टैक्सेबल है? ये देखिए, ये बाकी जो इंटरेस्ट जो एफडी के इंटरेस्ट है वो सब उस तरह में ही इसको यूज किया जाएगा, लेकिन जो आप जो 1.5 लाख का जो मेन प्रोविजन होता है उसमें तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये इनकम जो टैक्सेबल है, अगर आपने टैक्स फ्री बॉन्ड ले लिए तो ऑब्वियसली वो टैक्स फ्री है, लेकिन बाकी जितने भी आपके इंटरेस्ट इनकम है और जितने हद तक वो माफ है उसी हद तक आप वो माफ तो करेंगे, मतलब 10 से 40,000 तक का इंटरेस्ट वो तो TDS के ऊपर है, वो तो है आपको, वो तो है। तो शहनाज जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि टैक्स स्लैब जैसे कि सर ने कहा वो यथावत रखे गए हैं, जैसे कि पहले आप भरते थे वैसे ही, सिर्फ अलग ये है कर दिया गया है कि 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई कर, और सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 कर दिया, वो 10,000 का एक फायदा हुआ है। बिल्कुल। और अब 5:50 होने को है, बहुत कम समय है हमारे पास, अगर आपके कोई सवाल हो तो वो आप हमारी नंबर 2281018 और 2281019 के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और दीजिए हमारे सवाल का जवाब कि वो कौन सा जादुई सेक्शन है जो आपकी टैक्स बचत करवाता है, इनकम टैक्स एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जो आपकी टैक्स बचत करवाता है, जादुई सेक्शन है वो, बताइए हमें भी। हमारी नंबर्स पहले ही बता चुकी हूँ। ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए एक और आ रहा है, और जल्दी से फोन कीजिए हमें।
5:55 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड चैनल, कार्यक्रम कानून की बात। बहुत कम समय है, सवाल बहुत सारे हैं ठुकराल साहब, लेकिन ये विषय ही कुछ ऐसा है, मैंने कहा ना फायदे की बातें हो रही हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड सवाल कर सकते हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो वित्तीय प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, इसके लिए आप हमारी श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें अपने फाइनेंसेस को प्लान करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में जो है उनका फायदा हो सके। देखिए, आप सारा कुछ जो है वो किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। एक तो आपको अपना बजटिंग करना है, आप कितना खर्चा करते हैं, आपकी कितनी इनकम है। आजकल तो इंटरनेट है आपके पास और उसमें बहुत सारे तरीके हैं आपको पता करने के लिए कि आप जो भी खर्चा करते हैं उसके कितने सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, वो सब करना है। तो बेसिक जो काम है वो आपको करना है जी। उसके बाद फिर आपको किसी एक्सपर्ट को जाना है। अगर आपका बहुत सिंपल रिटर्न भरना है तो आजकल ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपका एक घर का किराया आता है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, आपके दो तीन अलग से कुछ इनकम के स्रोत हैं, तब आपको पास एक एक्सपर्ट के पास जाना ही पड़ेगा और उसको कुछ फीस दीजिए। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि थोड़ा सा फीस देके आप बहुत सारी ट्रबल आगे के लिए बचा सकते हैं। तो इस तरह से तो ये टैक्स प्लानिंग करना है और फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे मैंने बताया कि एसेट एलोकेशन करिए, अलग अलग एसेट क्लास में डालिए और इक्विटी में थोड़ा बड़ा डालिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा रिटर्न देता है और आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है जी। और प्रॉपर्टी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, लोग रियल एस्टेट में बहुत हाँ, तो रियल एस्टेट में तो बहुत सालों से बहुत ज्यादा करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में नहीं लगाना है। आपको और आपको घर रहने के लिए चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई मैक्सिमम कोई चाहता है कि चलो मेरे को एक किराए के लिए घर, एक किराया आता रहे उसका, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाना है कहीं ना पर भी हाँ। और आपका जैसे मैंने बोला, आप ट्रांसफर हो गए, आपका घर का देखभाल कौन करेगा, आपने किराए पे दिया, फिर खाली हो गया, फिर रिपेयर कराना है, तो बहुत सारे हैसल्स हैं। आप बेचना चाहते हैं, आपको इमीडिएटली बाहर नहीं मिलता है, तो उसमें उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप संभाल पाए जी, एलोकेशन के हिसाब से आप करिए। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और विषय था जिस जो छूट रहा है कहीं ना कहीं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जो थी, इसके बारे में बताना। ये बहुत अच्छी योजना है, ये बेसिकली एक पेंशन स्कीम है जिसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, जो 15,000 रुपए से कम सैलरी कमाते हैं, उनके लिए एक पेंशन का प्रावधान किया गया है। और जब वो 60 साल के होंगे तो उनको 6,000 रुपया मंथली कुछ पेंशन ऐसा मिलेगा, और जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। अब तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जैसे आपकी हाउसमेड है या ये सब लोग हैं, इनके लिए कुछ स्कीम नहीं था। बिल्कुल। तो इनके लिए ये एक स्टेप उठाया गया जो बहुत अच्छा सराहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल श्रोताओं, बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है, ये खास अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जिनकी जैसे कि सर ने बताया 15,000, मोस्टली अनऑर्गेनाइज बट ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, बट ज्यादा फायदा अनऑर्गेनाइज वालों को बहुत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से एक पेंशन स्कीम आ गई। बिल्कुल। अब बिल्कुल समय नहीं है, जवाब दे दीजिए, क्या है वो जादुई सेक्शन जो, देखिए ये जादुई सेक्शन है ATC। बिल्कुल। और अब क्योंकि समय बहुत कम है, श्रोताओं जिन्होंने सही जवाब दिया उनके नाम मैं आपको बताऊंगी कार्यक्रम में आगे, लेकिन क्योंकि सर हमारे साथ है, मैं जानना चाहूंगी कि फाइनल आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बहुत संक्षेप में निवेश के लिए हमारे श्रोताओं को। तो मैं एक योग सूत्र बोलता हूँ जो मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको दीर्घ काल के लिए, मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए करें, निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली करिए, और सत्कारा मतलब डिवोशन से करिए। अगर ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे तो आप अच्छा निवेश कर पाएंगे, अच्छा टैक्स बचा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ठुकराल साहब इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए इतना समय। धन्यवाद निरुपमा, मुझे भी बहुत आनंद आया ये सब।